लीजिए मैडम पास्ता, और भी कुछ? कैसे है दिया भैया? दिया दीदी 100 में 100। बाप रे इतना महंगा, 50 का 100 दे दो ना। नहीं पड़ेगा दीदी, पड़ता तो हम खुद दे देते। छोड़ दो, मॉल से ले लेंगे। ऐसा क्या है तुम्हारे दिए में जितना महंगा बेच रहे हो? इन दियों में अपने देश की मिट्टी है इसलिए इतना महंगा है। आप लोगों की वजह से ना ये लोग अपनी दिवाली नहीं मना पाते हैं। मॉल से ले लेंगे। मॉल से अगर नहीं भी लीजिएगा ना तो मॉल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनसे नहीं लिया ना तो इन लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। 10 रुपए के 10 दीपक, उसमें भी इतना मोल भाव। धन्य है आप लोग चिप्स के साथ हवा खरीदने वाले। मैडम हाथ से बना हुआ सामान बहुत मेहनत से बनता है। आपके लिए 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनके लिए है। मेरे पति ने पैसे जलाने या बांटने के लिए नहीं कमाया। मैं हर सामान ना मोल भाव करके ही लेती हूँ। हर सामान? जी हर सामान। वो 1000 रुपए का पिज्जा जो आप घर पे मंगाती हैं, उस पे मोल भाव करती हैं? ये जो लिपस्टिक आप लगाई हैं, उस पे कभी मोल भाव किया था क्या? वाओ, ये बैग तो बड़ा सुंदर लग रहा है। 1500-2000 का तो होगा ही, इस पे कभी मोल भाव किया था क्या? अरे वाह, ड्रेस तो ऑनलाइन लिया हुआ लग रहा है, इसमें कभी मोल भाव किया था क्या? स्मार्ट वॉच, इसको लेते समय कभी मोल भाव किया था क्या? सैंडल, वाओ, इसको लेते समय मोल भाव किया था क्या? नहीं किया था। तो फिर सारा मोल भाव, सारे सौदेबाजी सिर्फ गरीब के साथ क्यों? सड़क पे मिट्टी के दिए बेचने वालों से कितना बचा लेंगी आप? 10 रुपए 20 रुपए या फिर चलिए 50 रुपए। शर्म आती है मुझे जब अपने ही देशवासियों को अपने देश की मिट्टी की वैल्यू समझानी पड़ती है। भाई 50 दिए मुझे दे दो। जी भैया। ये लो पैसे। भैया ये आपके बाकी पैसे। अरे नहीं नहीं रखो ना, ये तुम्हारे ही है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे भैया। आपको भी। मैंने महंगे में दिया नहीं लिया, बल्कि बहुत ही सस्ते में दुआएं ली हैं। आप पिज्जा खाइए, महंगे महंगे जूते चप्पल कपड़े पहनिए, ऑनलाइन शॉपिंग भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी भी किसी गरीब के साथ मोल भाव मत कीजिएगा। आप अगर उन्हें 20 रुपए का 25 नहीं देती है ना तो 15 करने का भी आपको कोई हक नहीं है। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए गणेश जी लक्ष्मी माँ खुद बाजार में बिकने चले आते हैं ताकि गरीबों के घर भी त्योहार मन सके। हमें तो बस खरीदना है। भैया मुझे भी 100 दिए दे दो। दीदी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बार दिवाली की खरीदारी हमारे यहाँ से और लोकल दुकानदारों से करें ताकि हमारे बाल बच्चे भी दिवाली मना पाएं। अपने देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है दोस्तों। इस दिवाली पे अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा ताकि हमारी खरीदारी के वजह से कई और भी लोग दिवाली मना पाएं। इस दिवाली आइए अपने घर के साथ साथ हर किसी के घर को भी रोशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।